उन औरतों को पहले हमने कहा मीडिया के सामने पेश करेंगे, लेकिन लीगली ये है कि कल कहेंगे मीडिया ने उनको पट्टी पढ़ाया, तो उनको अभी मैं लेके जा रहा हूँ मजिस्ट्रेट के पास खुद ताकि उनको बयान दिलाओ। दूसरी बात है कि इन जो औरतें जो लड़के हैं औरत कह रही है कि इनके DNA करा दो, मुझसे मैच कराओ, मुझे लगता है इसमें से दूसरा बेटा शायद मेरा ना हो, तो मैं उसके DNA करवा रहा हूँ दोनों में से कि किसका उसका है। तकरीबन तो उसका बेटा बाप कह रहा है लेकिन माई औरत करीब देख लो। तीसरी ये है कि मेरे पास इंतहाई वक्त कम है, इन औरतों के साथ आप लोगों को इन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कहा था, इन औरतों का दोनों लड़का और माई ग्रानास लड़की और माई ग्रानास इन दोनों का यहाँ पे मैं टेस्ट करवाने के बाद इनके साथ जिंसी ज्यादती हुई है, इनको इंशाल्लाह पहली फ्लाइट से हम कराची भेजेंगे आगा खान अस्पताल से। मैं आपको बताऊं कि लोग भली जज्बाती कुछ भी हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कानून वाला बंदा हूं, मैं माई जंदो का मिसाल कायम जिंदा कर दूंगा। अगर आप लोगों को पता हो सर्च करके देखो माई जंदो कौन है। हम सिंध के लोग हैं, कानून में और कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं जब तक के औरतों का DNA नहीं कराऊंगा उनसे जिंसी ज्यादती नहीं हुई है, जिंसी ज्यादती का FIR कैसे होगा? जब तक के मैं इन बच्चों को उनके वालिदैन का मैच नहीं कराऊंगा कैसे होगा? जब तक के औरतें अपनी और बच्चे अपनी जुल्म मजिस्ट्रेट के सामने नहीं बताएंगे, कह रहे हैं कि मीडिया के सामने बताओगे तो मजिस्ट्रेट कहता है फिर मैं बयान नहीं लूंगा, अगर मेरे सामने बताओ फिर एक एक मीडिया से 6-6 घंटे इंटरव्यू कराओ। सर जी मुझे 2-4 घंटे दे दो, मैं लीगल प्रोसेस करूं, उसके बाद हर चैनल को मैं नंबर दूंगा जहां चाहे उनको ले जाए। सर धरना चूंकि धरना खान ऑफ कलात ने और चेयरमैन साहब ने फैसला किया उसके बारे में चेयरमैन साहब बता देंगे। मेरे दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का। मैं सबसे पहले तो ये बात बताऊँ कि हमें इन्फॉर्मेशन था कि आज दूसरे मामले हमारे कंधे में लग जाएंगे, वो हो रहा है, आप मीडिया देख रहे हो। हमारा डिमांड यही था FIR हो, नामी नेट हो, जो सेक्शन हम चाहते हैं वही हो, वो IG साहब ने कर दिया। बंदे हमारे रिकवर होके वो औरत वो बच्चे सारे मेरे सामने आ गए, जो अभी मैजिस्ट्रेट के बयान के लिए हम मीडिया के सामने लाएंगे। और रही बात, बिल्कुल हमें उन सबसे हमदर्दी है जो मिसिंग में है या किसी से ज्यादती है, हमारा भी डिमांड ये है किसी से नाइंसाफी ना हो, लेकिन हम अपना मामला छोड़कर दूसरे मामले अपने कंधे में डालें। भाई हमारा जो शुरू से डिमांड था वो सारे डिमांड यकीन जानो ना कुदूस ने पूरे किए ना किसी मिनिस्टर, कुदूस इनवाल है अब्दुर्रहमान केतरान का साथी है जो वजीर आला है, जितने मिनिस्टर हैं वो उसके बंदे हैं, लेकिन एक आईजी ने जो हिम्मत किया हम उसको सलाम पेश करते हैं। हमारे डिमांड सारे पूरे हो गए, केतरान गिरफ्तार है, सारे जवाबदार गिरफ्तार हैं। अभी लोग कहते हैं कि आप हमारे मामले अपने कंधे में रखें, हमारे लाशें खराब हो रही हैं, हम लाश लेके जा रहे हैं DNA के लिए, वो मुकम्मल होगा, हम बाहिफाजत जिधर वालदीन कहेंगे उधर हम तदवीन करेंगे, इंशाल्लाह अलाजी हम मीडिया को वहाँ बुलाएंगे। मेरा अंदाज़ है कि यहाँ कोई धरना हमारे तरफ से ख़त्म है, बाकी लोग अपने मामले अगर चलाना चाहते हैं तो बेशक बैठे रहें। मेरे तरफ से आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के तरफ से खान ऑफ कलात के जरगे बाद हमारा जो धरना है वो बिल्कुल वाडम। खान मामन मरी ने रात से हमें मिन्नतें की, मेरे बच्चे पहुंच चुके हैं, अल्लाह के वास्ते हमारे मेरे बेटों के लाशों को अभी खराब मत करने दें, अभी मेरे बच्चों को तदफीन बच्चों के तदफीन का सोचें, लेकिन हम अपने शहीदों के लाश दूसरों के मामले में इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। शुक्रिया।